आज भारत की राजनीति के एक ऐसे व्यक्तित्व का जन्मदिन है जिसका किरदार पूरे जीवन काल में इतनी बार बदला है कि पता नहीं चलता कि उनकी कहानी कहां से शुरू की जाए। जयप्रकाश मूवमेंट के एक तेज तरार स्टूडेंट लीडर से या अपनी सरकार की परवाह किए बिना आडवाणी के राम रथ को रोककर सेकुलरिज्म का उदाहरण देने वाले एक नेता के रूप, या फिर एक ऐसे नेता के रूप में जिसपे करप्शन के चार्ज लगे और बिहार में जंगल राज स्थापना का इल्जाम भी लगा। जी हाँ, आज है अक्खड़ अपने भाषण के अंदाज से अपने धूर विरोधी तक को कायल बनाने वाले राजनीति के सुरमा लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन। लालू यादव बिहार और देश की राजनीति के एक ऐसे नेता है जिनका लोहा इनके धूर विरोधी भी बांधते हैं। चाहे बिहार में खुद फॉर्डर स्कैम में फंसने के बाद अपनी पत्नी को सीएम बनाने की बात हो, या 2008 में न्यूक्लियर डील के वक्त कांग्रेस की नैया पार कराने की बात। लालू यादव का जन्म बिहार के जिला गोपालगंज एक छोटे से गांव फुलवरिया में एक बेहद गरीब परिवार में हुआ। बचपन लालू यादव का काफी मुफलिसी से गुजरा। घर में मवेशी होने की वजह से उनका प्रेम आज भी गाय और भैंसों के लिए देखा जाता है। लालू यादव की जिंदगी में बड़ा मोड़ तब आया जब वो अपने कॉलेज की पढ़ाई करने पटना पहुंचे। पटना यूनिवर्सिटी में लॉ और पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई करते करते जब वो छात्र नेता बन जाते हैं तो कोई नहीं जानता था कि 1973 में पटना यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट अपने समय का सबसे कम उम्र का सांसद बन जाएगा। कहते हैं इमरजेंसी के दौर में जब पुलिस जयप्रकाश नारायण पर लाठी बरसाने के लिए आई तब लालू यादव ने उन्हें अपने बाहों में घेर लिया और सारी लाठियां खुद खाई। इसी घटना के बाद वो जेपी के चहेते हो गए थे। बात अब 1990 की करते हैं जब बिहार की राजनीति में अगड़ों का कब्जा था। तब लालू प्रसाद पिछड़े और छोटी जातियों के मसीहा बनकर उभरे और अडवाणी का रथ रोककर वो माइनॉरिटी के दिलनवाज तो बन ही चुके, और इसी पिछड़े दलित यादव और मुस्लिम समीकरण को मिलाकर लालू यादव ने लगभग डेढ़ दशक तक बिहार में राज किया। पर 2000 के बाद अपहरण, मर्डर और फिरौती के बढ़ते मामले ने उनके कार्यकाल को जंगल राज का तमगा दिया, और 2005 चुनाव के बाद जब उनकी पार्टी हार गई तो लगभग 10 साल का उन्होंने बिहार से वनवास झेला। पर इसी बीच रेलवे मिनिस्टर बनकर उन्होंने एक ऐसा कारनामा कर दिया जिसके लिए उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने तक के लिए बुला लिया गया। उन्होंने भारतीय रेल, जो लगातार दशकों से घाटे में चल रही थी, उसे पहली बार फायदे की ओर ले आए। आज लालू यादव चारा घोटाले में जेल में है और उनकी तबीयत भी उतनी अच्छी नहीं रहती, पर अपनी राजनीति की नई पौध अगली पीढ़ी उन्होंने तैयार कर ली है। आज उनके दोनों बेटे और बेटियां सभी राजनीति में हैं, और आज बिहार में एक नारा गूंजता है, लालू यादव कोई नेता नहीं है, एक विचारधारा है। इन खबर की टीम लालू यादव को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देती है और आशा करती है कि उनकी सेहत में जल्द सुधार हो।